हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज मैं आपके लिए करेंट अफेयर्स जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात अपना होप मार्स मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, अनिल वलूरी। गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में पूर्व नेट ऐप के शीर्ष कार्यकारी अनिल वलूरी की नियुक्ति की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, रंजीत कुमार। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जावेद इकबाल वानी। कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार वानी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा। 7 जून 2020 को उड़ीसा मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गैरसैंण। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, रोहित शर्मा। IIFL फाइनेंस ने भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन छात्रवासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा ए, उड़ीसा। ST और SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रवासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया। 8 से 18 वर्षों तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए नई योजना बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रतनलाल। 11 जून 2020 को मशहूर भारतवंशी
अमेरिकी मृदा विज्ञानी रतन लाल को उनके शोध कार्य के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1987 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बांग्लादेश। इस पहल का नाम सहयोद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्नाटक ने। 10 जून 2020 को कर्नाटक सरकार ने राज्य में पहली से पांचवी तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है। अब स्कूल इन बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कैथी ल्यूडर्स। स्पेस में प्राइवेट क्रू फ्लाइट को पहुंचाने में कामयाबी हासिल करने वाली कैथी ल्यूडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है बी, कैथी सुलिवान। पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवान ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड किया है। समुद्र की सबसे गहरी सतह पर पहुंचकर उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले वो पहली महिला होने का गौरव भी रखती हैं जो अंतरिक्ष में चहलकदमी कर चुकी हैं। समुद्र की यह निचली सतह मरियाना ट्रेंच के पास बनी हुई है जो समुद्र की सतह से करीब 7 मील नीचे है। 68 साल की कैथी दुनिया की 8वीं इंसान हैं जो इस स्थान पर पहुंच पाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर वर्ष मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 14 जून को। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार साल 2004 में मनाया गया। WHO ने इसकी शुरुआत की थी। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो इसका सही आंसर है बी, बहरीन। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति APC ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल यानी 2021 से 1 से 10 दिसंबर के बीच 4th एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों की जगह दी गई है जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 43वां। भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। राज्य में 15 जून तक 57,12,000 मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 18% रही, जो कि किसी भी राज्य से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पुणे रेलवे स्टेशन। RPF इकाई ने COVID-19 के प्रकोप के मद्देनज़र महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके शरीर का तापमान पता लगाने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। अर्जुन नामक यह रोबोट 0.5 सेकेंड में ही शरीर का तापमान बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आरोग्य पथ। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 21 जून को। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम रखी गई है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मुंबई। COVID-19 महामारी के बीच मुंबई के लोग अब अस्पतालों में ICU बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी एक नए मोबाइल ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमीश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक यह बुक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है, जब महमूद गजनी और उसकी तुर्क सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो और अदर्स वीडियो की PDF के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।